राम, जय हनुमान, जय श्री भैरव। आज अमावस्या में करने योग्य ऐसा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही सरल है, सटीक है और जिसको करने से प्रभु ईश्वर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, आपके इष्ट कुल देवता प्रसन्न होंगे और आपके पितृ पूर्वज प्रसन्न होंगे। इस मई को अमावस्या की पुण्य तिथि आ रही है, इसको आप ये कार्य कर सकते हैं और आगे भी जब जब अमावस्या आती है आप ये कार्य कर सकते हैं। करना क्या है, देखिए, अमावस्या के दिन आपको एक तांबे के लोटे में जल और दूध मिश्रित करना है। ध्यान रखें, दूध गाय का हो कच्चा हो तो सर्वश्रेष्ठ है, और गाय के दूध की उपलब्धता नहीं हो तो फिर आपको जो भी उपलब्ध दूध हो भैंस का वो ले सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से ध्यान ये रखें कि गाय का ही मिले तो बहुत बढ़िया है। उसके अंदर आप थोड़ा तिल मिलाइए, थोड़ा चीनी मिला लीजिए। अब आप इसे दुग्ध जल तिल मिश्रित मीठे जल को एक तांबे का लोटा भर करके पास के ही किसी मंदिर में या पास में पार्क में कहीं भी जहाँ पीपल का वृक्ष हो उसके अंदर उस जल को अर्पण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आप परमेश्वर की प्रसन्नता चाहते हैं, ईश्वर की प्रसन्नता चाहते हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार की मंत्र का जाप करके उसको अर्पण करेंगे। कि आपके घर में कोई पितृ दोष है और पितरों की संतुष्टि के लिए आप वो जल चढ़ाना चाहते हैं तो ओम पितृदेवतायै नमः, ओम पितृदेवतायै नमः इस प्रकार उच्चारण करते हुए जल को चढ़ाएंगे। या किसी के शनि भगवान की ढैया चल रही है, कुंडली में शनि ग्रह खराब फल दे रहे हैं, शनि की साढ़े साती चल रही है तो उनको क्या करना है। देखिए, पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करने के बहुत फायदे हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, तो भगवान साक्षात नारायण वहाँ विराजमान हैं, तो आप भगवान नारायण की सेवा पूजा का फल पीपल की पूजा करके पा सकते हैं। दूसरा, फिर वहाँ पितृदेव का निवास भी बताया है। पीपल के वृक्ष में यदि आप पितरों की प्रसन्नता की कामना से सेवा पूजा करते हैं तो पितृदेव प्रसन्न होते हैं। और तीसरा, भगवान शनि देव, क्योंकि पिपलाद ऋषि ने उनसे वचन लिया था, इसलिए पीपल के वृक्ष में तेल का दीपक जलाने से और ये जो मैंने जल बताया है, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप पीपल के वृक्ष में जब ये जल दुग्ध तिल आदि चढ़ाते हैं तो शनि की साढ़े साती के दुष्प्रभाव से आप मुक्त होकर के घर में सुख शांति होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, आपके जो संतान के विवाह कार्य आदि अटके हुए हैं वो पूर्ण होते हैं। तो आप ये छोटा सा उपाय करके देखिएगा, जीवन में आपके सुख शांति आएगी। ओम नमो नारायण।